राजस्थान पर्यटन विकास निगम कभी घाटे का यूनिट ही नहीं रहा, लेकिन सही मायने में आरटीडीसी को घाटे में लाया गया है। आरटीडीसी को घाटे से उबारने के लिए 500 कर्मचारियों को रेवो डेपुटेशन का भेजा जा रहा है और साल 2015-16 में आरटीडीसी 15 से 16 करोड़ घाटे में आ गया था, जिसे आज तक खत्म नहीं किया जा सका। अलबत्ता सरकार ने आरटीडीसी के आय व्यय के स्रोतों को बंद कर दिया। आरटीडीसी की नाहरगढ़ किला स्थित पड़ाव यूनिट और जोधपुर की घूमर यूनिट ही विभाग को अच्छा रेवेन्यू दे रही है, जबकि सालों से फायदे में चल रही आरटीडीसी की अजमेर यूनिट पिछले 3 सालों से घाटे में है। लेकिन इसके लिए न तो किसी की जवाबदेही तय की गई है और न ही कोई जांच हुई। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या आरटीडीसी का मैनेजमेंट ही नहीं चाहता कि निगम को फायदा हो? क्या आरटीडीसी को घाटे में दिखाकर बंद करने का काम किया जा रहा है? लाभ में चलती आरटीडीसी के बहरोड़ यूनिट फ्लाईओवर बनने के नाम पर बंद कर दी गई। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि अधिकारियों के खिलाफ जांच नहीं होगी और दोषियों को सजा नहीं मिलेगी, तब तक आरटीडीसी के मुनाफे में कैसे बढ़ोतरी होगी? बहरोड़ लगातार मुनाफे में रहा, बहरोड़ को फ्लाईओवर के नाम पर बंद कर दिया गया, जबकि सच्चाई ये है कि फ्लाईओवर बने 15 साल हो गए, बहरोड़ लगातार प्रॉफिट में था उसके बावजूद भी, लेकिन राजस्थान रोडवेज की बसों को बंद कर दिया गया, सर्विसेज को बंद कर दिया गया, नाइट का मिडवे बंद कर दिया गया। तो जो घाटे के जो मूल कारण है, जब तक उनकी जांच नहीं होगी, दोषियों को सजा नहीं मिलेगी, निश्चित रूप से राजस्थान पर्यटन विकास निगम मुनाफे में नहीं आ सकता। आरटीडीसी यूनियन द्वारा पिछले 10 महीने पहले यूनिट्स को लाभ में लाने के लिए सुझाव दिए थे, लेकिन आरटीडीसी मैनेजमेंट के पास समय नहीं होने का बहाना करके ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह को भी कर्मचारी यूनियन ने सुझाव दिए थे, जिस पर एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने आज तक उन सुझावों पर कोई चर्चा नहीं की। हम सरकार से मांग करते हैं, बजाय कर्मचारियों को बदनाम करने के लिए, बजाय आरटीडीसी को बदनाम करने के, सरकार इस पर निर्णय करे, सरकार हमारे दिए गए सुझावों पर गौर करे। आरटीडीसी की अनदेखी के चलते प्रदेश भर में करीब 45 यूनिट्स बंद पड़ी हुई हैं, जिनमें रखा लाखों करोड़ों का सामान धूल फांक रहा है। अगर इनको चालू कर दिया गया तो अच्छा रेवेन्यू मिल सकता था, लेकिन अब तक नहीं किया गया। दामोदर प्रसाद, जी मीडिया, जयपुर।